हेलो वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैंने एक व्लॉग अभी नया नया बनाया है अपने चैनल पे, जो चैनल आप इस वक्त देख रहे हो तनिष मोटर व्लॉग्स। तो इस पे मैंने एक नया व्लॉग बनाया है जो पीछे संडे निकल के गया। तो इस वक्त मैं एडिटिंग कर रहा था, इस वक्त मैं लुधियाना में नहीं हूँ, चंडीगढ़ में हूँ। तो एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम आई है। तो आप अभी अपना साथ देना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में बता देना ताकि हम आगे उसको सुधार सकें। कोशिश की है स्टार्टिंग करने की, स्टार्टिंग तो मुश्किल से हो ही गई है क्योंकि अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे में इतना है नहीं है कि मैं आपके सामने इस तरह के कैमरे से बात कर सकूं। बाकी आप सभी का प्यार मिलता रहेगा का तो खुद को हम अपग्रेड करते रहेंगे। अपना साथ देना, अपना प्यार देना और लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि हम मोटिवेट हो सकें। आप सभी का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बाकी हम तो हमेशा तैयार हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करने को। अपना साथ देना। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया तनिष मोटर व्लॉग, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, जिस पे इस वक्त आप वीडियो देख रहे हो। तो ये नया कंटेंट बनेगा, नई वीडियो आएगी, नया कुछ करने की सोची है। बाकी आप सभी का सपोर्ट चाहिए। हमारे पास बाइक है R15, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस अपनी राइड होने लगी है शुरू, हम चलने लगे हैं। ये कन्नू कह रहा था थोड़ा सा शॉट लेना है। कैसी आ रही होगी लेकिन होपफुल अच्छा ही होगा जो होगा। ओ भाई निकल जा, इतने हाथ दे दिए तूने, निकल तो जा। ये आ गया साथ में, ये बंदा थोड़ा ना गुस्से वाला है, इसको ठंडा करना पड़ता है पानी डाल डाल के। इसकी शक्ल देखो, ये देखो। गाइस आपको मैं बताना भूल गया कि जो मेरा भाई है ना छोटा, जो बाइक चला रहा है आगे, उसका भी चैनल है, वो ब्लॉगिंग करता है, डेली ब्लॉगिंग करता है, वो लाइफस्टाइल वगैरह दिखाता है उसका। तो चैनल मैं आपको जो हो रहा होगा इस वक्त स्क्रीन पे और बाइक पे भी दिखा देता हूँ, चेक कर सकते हो। लगाया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है उसका चैनल है। तो जो आप
मेरा सभी देख रहे हैं ब्लॉग इस वक्त, उसका चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लो। क्या है ये मैं अभी बता नहीं सकता आपको, फिर बताऊंगा अगर कभी रोका तो। वैसे उम्मीद है कि नहीं रोकेंगे, कोशिश पूरी है कि ऐसा करेंगे ही नहीं कि ये रोक लें। बाकी हमने ध्यान तो पूरा रखा हुआ है, हेलमेट डाला हुआ है, राइडिंग गियर की दिक्कत है थोड़ी, वो नहीं अभी डाले बट कर लेंगे। बात तो वही है ना, सबका रखवाला ऊपर वाला। पैसे निकलवाने आए थे और कह रहे थे एटीएम नहीं चल रहा है, बाद में गार्ड कह रहा है कि चल रहा है। कन्नू को फ़ोन कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया, फ़ोन उठा ही नहीं रहा, चार पांच फ़ोन कर दिए उसको, उठा नहीं रहा वो, पता नहीं कहाँ रह गया। गाइस रास्ता नहीं है यहाँ पे निकलने का, रास्ता नहीं हैगा। बड़ी बाइक होने का यही चक्कर है, कहीं छोटी जगह पे लगानी हो तो लगती ही नहीं है, बहुत इशू है। बट आदत डाल लेंगे धीरे धीरे। हाँ जी, तो फाइनली असी दरबार पहुँच गए थे अपने डार्लिंग नाल, जो मूल हो जाता थोड़ा गुस्से वाला तुम दसा ना रस्ते इन्हें यह लगता कि मैंने नज़र आने लग जाएगी सोहनिया गुड़िया दी। देख सकते हो पूरी तैयारी चल रही है मेले की। लाडी शाह दे दर दे उत्ते बदल रहमत वाले थुले ने जन्नत नाम करा लो बूहे खुले ने, जन्नत नाम करा लो बूहे खुले ने, जन्नत नाम करा लो करा लो बूहे खुले, जन्नत नाम करा लो बूहे खुले, ओ जन्नत नाम करा
तो हाँ जी गाइस, हम निकल रहे थे यहाँ से, ये जा रहे लुधियाना और हम जा रहे जलंधर। आधे रास्ते से हमने निकल जाना है। जैसा है जी, मैंने पूरी कोशिश की जैसे भी आपको दरबार के दर्शन करवा सकूं। आई होप आपने वीडियो सब देखी हो। अब कुछ ही देर में गाइस हम होंगे हाईवे पे। और फिर आएगा मज़ा बाइक चलाने का, फुल स्पीड पे फीलिंग। समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसे बाइक धीरे चलाने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा उतनी ही तेज़ चलाओ जितनी आपसे कंट्रोल हो सके। जलंधर का बुर्ज खलीफा। अब जिनको पता है कि जलंधर में कौन सी बिल्डिंग है वो तो कमेंट करके बता देंगे, अब जिनको नहीं पता वो कमेंट चेक कर लें। काफ़ी फेमस बिल्डिंग है ये, काफ़ी फेमस, बता दूंगा व्लॉग के एंड में अगर याद रहा तो। देख लो क्लोज से जलंधर का बुर्ज खलीफा। अकेला ही नज़र आ रहा है इतना बड़ा। चलो अब मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। बुर्ज खलीफा तो नहीं दिखा पाऊँगा, उसके पास से गुजर रहा हूँ क्योंकि यहाँ रुकूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहले ही हम लेट हो गए हैं। ओहो सड़क ख़राब लग रही है, चलो इतनी सी है चल जाएगा। गाइस चले हम घर को, जलंधर से निकल रहे हैं और ये हमारे भाई करण भाई इनके पास आए थे और ये निकल रहे हैं। नवीन भाई रेडी हो रहे हैं, अपना रुमाल रुमाल बांध रहे हैं। चलो बैठो फिर निकलिए। ठीक है ओके जैसा है। Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. तो भाई हम पहुंच गए हैं फिलोर टोल टैक्स पे। रास्ते में बाइक ऐसे ही खींची, आप क्लिप्स देख रहे होंगे, बीच में गाने लिए हैं। मैंने कहा कि यार आगे जाके शुरू करूँगा व्लॉग, अभी आपके लिए क्लिप्स ले लूँ, शॉर्ट का ले लिए। बस अब फ्लोर पहुंच गए हैं लुधियाना में, भी 10-15 मिनट का रह गया, 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और हम होंगे घर। अपनी गली में आओ ना तो लोग बहुत हैरान होते कि अपने हेलमेट किसने लगाया क्या हुआ है।
अब उनको क्या बताऊँ, ये देखो कैसे देखते जा रहे हैं, अभी तो एग्जॉस्ट भी नहीं लगाया और इनके रिएक्शन मिलने लगे हैं। बाकी भाई चली जा रहा था कुछ। हाँ जी गाइस, तो चलो चलिए हूँ आप घर नू। ओ यार पंजाबी जो हो गया हिंदी। हाँ जी, आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मालूम नहीं होता कि कैसे ब्लॉग किया जाए और कैसे ना किया जाए, थोड़ी माइक की दिक्कत, थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग की दिक्कत, लेकिन कोशिश की है अपनी तरफ से अच्छा करने की। जो भी दिक्कत होगी आप मेरे ब्लॉग में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम उसको आगे आगे सही कर सकें, क्योंकि आप सभी बताते रहोगे तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे सही करने की। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, जैसा भी हो बता जरूर देना एक बार। तो पीछे सीनरी अच्छी आ रही थी तो मैंने कहा कि यही रिकॉर्डिंग करके जाऊं। चंडीगढ़ आया हुआ था अभी, प्यार देना, साथ देना, लाइक शेयर कमेंट आगे से आगे जैसा आप कर सको, जहाँ तक आप पहुँचा सको पहुँचाना, आप सभी का प्यार हमारे साथ। बाकी सभी जानते हो बंदा बहुत कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन जब तक उसका साथ ना होना तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए सबका रखवाला ऊपर वाला।